हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही चल रहा होगा। ओके, तो भाई चल रहा है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने याद है कि लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हुआ था सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म्स जो भी रिलेटेड टू लेंस थे वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, आज आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि लेंस में इमेज को कैसे लोकेट करना है, यानी इमेज का फॉर्मेशन लेंस में किस तरीके से होगा। आ रही बात समझ में? लेंस में इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, इस चीज को हमें देखना है। ठीक है, तो भाई जैसा कि हमने मिरर के केस में देखा था, रिफ्लेक्शन के केस में देखा था कि इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको रूल से समझना होता है कि क्या क्या रूल्स फॉलो करना है व्हाइल यू हैव टू लोकेट द इमेज। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलो बात करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। ठीक है बेटे, तो चलो बात करते हैं। पहला रूल क्या होता है? जो फर्स्ट रूल है बेटा, ये कहता है कि ए लाइट रे विच इज इंसिडेंटेड इंसिडेंटेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटे, ए लाइट रे विच इज इंसिडेंटेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज फ्रॉम फोकस ऑफ दी लेंस। फोकस ऑफ दी लेंस, ठीक है बेटा, कहां से जाता है? फोकस से जाता है। तो बेटे इस चीज को कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस के केस में अगर देखें, कन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटे, तो ये क्या होता है? आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये आपका क्या होता है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर आपको पता है क्या होता है बेटा? वो पॉइंट होता है जिस पर लाइट रे डालो तो वो विदाउट एनी डेविएशन क्या हो जाते हैं बेटे? पास हो जाता है। ठीक है, तो इस पर क्या जानते हो आप? दो फोकस होता है, एक इधर और एक इधर। ठीक है बेटे, आ रही बात समझ में? तो जब लाइट रे आप इधर से डालोगे बेटे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो किस फोकस से जाएगा बेटा? इस तरफ के फोकस से चला जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया बेटा आपका कि एक लाइट रे जब आपको कन्वेक्स लेंस के केस में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो ये फोकस से होकर के चला जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं तो कनकेव लेंस में क्या होता है? ये हो गया बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर अगर एक लाइट रे इंसिडेंट कराओगे इस तरीके से, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रेक्शन क्या होगा? ये इस तरीके से चला जाएगा। क्लियर है बेटे? इस तरीके से चला जाएगा, ये चीज क्या होगा? फोकस होगा। क्लियर है ना मेरी बात? आ रही बात समझ में? तो दोनों ही कंडीशन में आपको समझ में आ गया कि जो भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो आफ्टर रिफ्रेक्शन फोकस से जाएगा और इसमें क्या हो रहा है? जाता हुआ अपियर हो रहा है, इसमें सचमुच में जा रहा है और इसमें जाता हुआ अपियर हो रहा है। ठीक है बेटे, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा पहला रूल कि लाइट रे इंसिडेंट होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन फोकस से जाएगा या जाता हुआ अपियर होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेकेंड रूल क्या कहता है बेटा? सेकेंड रूल कहता है कि अगर हम किसी लाइट रे को, ठीक है, फोकस से डालें, कहां से डालें? फोकस से डालें या फोकस पर डालें। ठीक है बेटा, अगर एक लाइट रे को हम फोकस पर डालें, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा? आफ्टर रिफ्रेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो रूल नंबर टू
इफ लाइट रे इज इंसिडेंटेड ऑन इट्स फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे becomes parallel to the principal axis. Principal axis के क्या हो जाएगा बेटा? Parallel हो जाएगा. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? Let's see. अगर ये बेटा हमारा convex lens है, this is principal axis and this is focus. ठीक है बेटे, तो अगर एक लाइट रे मैं इस तरीके से डालूं, ठीक है, तो देखो ये फोकस से गया बेटा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा. क्लियर है आपको मेरी बात? ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. सिमिलरली कंकेव मिरर में, कंकेव लेंस में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये फोकस, तो बेटे मान लो हमने एक लाइट रे को इस तरीके से इंसिडेंट कराया, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट जो यहां पर लिखा हुआ है. लाइट रे को फोकस से डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन. फोकस से डालूंगा, पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन. क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया बेटा रूल नंबर टू. ठीक है, रूल नंबर थ्री बहुत ही सिंपल है. रूल नंबर थ्री, चलो देखो बेटे रूल नंबर थ्री ये क्या कह रहा है बेटा, कि इफ लाइट रे is incidented on the optical center. कहां पर? Optical center पर डाला. ठीक है बेटे, if light ray is incidented on the optical center, then light ray goes through without deviation, बिना किसी deviation के वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा? पास कर जाएगा. ठीक है, if light ray is incidented on the optical center, then light ray goes through without deviation, किसी deviation के बिना वो सीधा सीधा निकल जाएगा. क्या meaning है इसका देखो, है ना, डायग्राम के फॉर्म में इसको अगर हम समझना चाहें, तो कन्वेक्स लेंस है बेटा, तो ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है, अगर एक लाइट रे को आप इस तरीके से इंसिडेंट करोगे तो ये क्या होगा बेटा? सीधा दूसरी तरफ निकल जाएगा, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, है ना. डेविएशन बेसिकली जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बेटा, वो तो पूरा डेविएशन का ही खेल है, है ना. लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं. मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, है ना, इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, क्योंकि लाइट क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में निकल गया. आ रही बात समझ में? तो आपको इस तरीके से समझना है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा. अगर हम लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर पे डाला तो नो रिफ्रैक्शन, लाइट सीधा क्या हो गया, पास हो गया. आ रही बात समझ में? सिमिलरली बेटा अगर कन्वेक्स लेंस, कंकेव लेंस में देखें तो इसमें भी बात वही होगी. अगर मैं इस पर डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा पास हो जाएगा. क्लियर? तो ये है रूल नंबर थ्री. तो यही तीन रूल्स है बेटा इमेज फॉर्मेशन के, लेंस के केस में, है ना, ओनली थ्री रूल्स आर देयर. ठीक है, तीनों रूल हमने समझ लिया. अब चूंकि हमने रूल्स सीख लिया बेटा, तो हम आसानी से अब क्या कर सकते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं. क्लियर है बच्चे, इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो चलो अपन क्या करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे. ठीक है, लेट्स सी. सबसे पहले कौन सा ले लें बेटा? कन्वेक्स लेंस ले लें. ठीक है, कन्वेक्स लेंस ले लें, फिर हम लोग कंकेव लेंस में करेंगे. अच्छा बेटा, कन्वेक्स लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो बेटे याद रखना है आपको, कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, एंड कंकेव लेंस को क्या कहते हैं बेटा, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं.
ठीक है, मिरर और लेंस में फर्क है। मिरर में कनकेव को कन्वर्जिंग कहा करते थे और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग। यहां पर उल्टा है बेटा, यहां पर कन्वेक्स क्या है कन्वर्जिंग है और कनकेव क्या है डाइवर्जिंग है। ठीक है बेटे, तो इसको डायग्राम के थ्रू याद रखने की कोशिश करना, दिमाग में बिठाना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे याद रहेगा वो आपको। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन करना है। इसमें भी कई सारे केसेस होंगे बेटा, वन बाय वन वी हैव टू स्टडी देम। ठीक है, केस वन, ओके बेटे, केस वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है बेटे, ऑब्जेक्ट को अगर हमने इंफिनिटी पे रखा हो देन, ठीक है, तो कौन सा लेंस है बेटा मेरा, कन्वेक्स, तो वी विल ड्रॉ फर्स्ट कन्वेक्स लेंस। याद करो बेटा जैसा हमने पहले पढ़ा था, जब इन्फिनाइट पर होता है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमारा एकदम अनंत पर है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि इसके फोकल लेंथ के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अगर इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और मैंने हम अपने ऑब्जेक्ट को 10 मीटर या 1 किलोमीटर पर रखा है, तो इन कंपैरिजन टू 10 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर इज वेरी 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 लार्ज। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो हमारे लिए क्या काम करेगा बेटा, इन्फिनाइट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। बेटे जो इन्फिनाइट पर ऑब्जेक्ट होता है, मैंने हमेशा बोला है वहां से जो रेज आती है उसको आप कैसा कंसीडर करोगे बेटा, पैरेलल रेज कंसीडर करोगे, है ना, तो वहां से कैसे रेज आते हैं, पैरेलल रेज आते हैं। क्लियर, तो बेटे दो तरीके से इसका इमेज हम लोकेट कर सकते हैं। आप देखिए, तो बेटे अगर मैं एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करूं तो ये तो सीधा चला जाएगा, और एक लाइट रे मैं क्या करता हूं इसके पैरेलल इस तरीके से करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से, सपोज कहां मिला बेटा, यहां पर मिला ये दोनों रेस, तो ये दोनों इंसिडेंट रे हैं बेटा, और इस तरफ जो निकले ये दोनों क्या है, रिफ्रेक्टेड रे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, रिफ्रेक्टेड रे। तो ये जिस जगह पर मिलेगा बेटा, ये जिस जगह पर मिलेगा, ठीक है, दिस इज फोकस, क्या है आपका, फोकस है। आ रही बात समझ में, क्लियर है, तो ये ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पर है, उसका इमेज कहां बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, तो एक तरीका ये हो गया। अच्छा, इमेज जब हम लोकेट करते हैं बेटा, तो फिर अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज देखें इसकी क्या क्या है। अगेन पता है बेटा आपको कि जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्या 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 लेना पड़ता है बेटा, एक तो उसके पोजीशन की बात होती है, ठीक है, पोजीशन, दूसरा क्या होता है बेटा उसका नेचर, और तीसरा क्या होता है बेटा उसका साइज। ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। तो बेटा देखो, पोजीशन कहाँ है, एट फोकस, पोजीशन इज एट फोकस, ओके। नेचर क्या है बेटा, देखो अब यहां देखो कैसे पहचानोगे कि रियल या वर्चुअल। ठीक है बेटा, यहां देखो सच में मिल रही है ना लाइट रे, सच में मिल रही है ना, रियली दे आर मीटिंग, ओके। ठीक है, तो जब सच में लाइट रेज मिल रही हो तो क्या होगा बेटा, रियल इमेज बनेगा। तो देखो यहां पर सच में मिल रही है तो इमेज कैसा होगा बेटा, रियल, और रियल क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बेटे, अब साइज की बात करते हैं बेटा, तो साइज क्या होगा, काफी छोटा बनता है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बहुत छोटा, ठीक है, पॉइंट साइज का बन सकता है। क्लियर है बेटे, तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हो, रे डायग्राम, इसको क्या कहते हैं बेटा, रे डायग्राम, रे डायग्राम के थ्रू हमने लोकेट किया इमेज को। ठीक है बेटे, कहीं कहीं किसी किसी बुक में दूसरे तरीके से भी इन्फिनिटी केस को एक्सप्लेन किया गया रहता है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। सी, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस है सपोज एफ। तो बेटे अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, वहां से कैसे रेज आएंगे, पैरेलल रेज आएंगे, एक मान लो इधर से आया और एक मान लो इधर से आया, तो ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्रेक्शन वो कहां मिलेंगे बेटा,
फोकस पर मिलेंगे, क्योंकि ये रूल है ना बेटे, क्या है ये रूल है कि जो भी पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो आफ्टर रिफ्रेक्शन कहां पे मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। ठीक है, तो फोकस पर मिल गया बेटा, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो आप डायग्राम इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, यहां से भी हमें समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और इमेज हमारा ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा केस वन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, केस नंबर टू। अब आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि आप कहां रखने वाले हैं सर ऑब्जेक्ट को, है ना बेटे, कहां पर रखने वाला हूं मैं, सोचो मन में। तो केस टू, दिस टाइम वी विल पुट द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द 2F, यानी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड 2F, ठीक है बेटे, कहां पर रखेंगे, बिहाइंड 2F। चलो तो समझते हैं इसको, बिहाइंड 2F रखेंगे तो क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर बेटा F और ये 2F, F और ये 2F, ठीक है बेटे। तो हम क्या कर रहे हैं, 2F के पीछे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। चलो हमने 2F के पीछे एक ऑब्जेक्ट ले लिया A B, ठीक है। तो बेटे एक लाइट रे में क्या करूंगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाऊंगा। तो हम सभी को पता है बेटा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाने से वो वाली लाइट रे कहां से जाती है, आफ्टर रिफ्रेक्शन फोकस से जाती है। ठीक है, तो ये यू पास हो गया। ठीक है, और एक को मैं क्या करता हूं, ऑप्टिकल सेंटर से ले चलता हूं। ठीक है बेटे, ठीक है, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा बेटा। तो देखो ये दो रिफ्रेक्टेड रे कहां मिल रहे हैं बेटा, यहां पर मिल रहे हैं। तो यहां आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। सो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड, ए डैश बी डैश। अब यहां से बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है बेटा कि जो हमारा इमेज बना है वो कहां बना हुआ है, बताओ, बोलो बेटा कहां बना है इमेज। तो ऑब्वियस सी बात है F और 2F के बीच में बन रहा है ना बेटे। तो पोजीशन क्या हो गया, बिटवीन F एंड 2F, ठीक है बेटे। दूसरा नेचर, सच में मिला क्या, सच में मिला है, ये सच में मिला है, तो क्या होगा बेटा, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, साइज, साइज क्या होगा बेटा, छोटा, डिमिनिस्ट, डिमिनिस्ट, ठीक है बेटे। देखो उसके तुलना में ये छोटा दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है, आप स्केल पे बनाओगे है ना, तो आपको ऑब्वियसली ये छोटा दिख रहा है, तो साइज जो है वो डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई बेटा अगर हमने ऑब्जेक्ट को बिहाइंड 2F रखा है। ठीक है, अगर हमने बिहाइंड 2F रखा है तो इस तरीके का इमेज बनेगा। क्लियर है मेरी बात। नाउ केस नंबर 3। अब सोचो बेटा इस बार मैं कहां रखूंगा, क्लिक कर गया होगा, इस बार हम कहां रखने वाले हैं, 2F पर। ठीक है बेटे, कहां पर रखने वाले हैं, 2F पर। चलो केस नंबर 3, केस 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, 2F पर रखे हों अगर ऑब्जेक्ट, देन क्या, ठीक है, ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर, ये F और ये 2F, ये F और ये 2F, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा, ठीक है, A B। चलो अगेन अपन जो तीन रूल पढ़े थे उसी को यूज करेंगे, एक लाइट रे पैरेलल ले गया, पैरेलल राइट रे कहां से जाएगा बेटा, तो ऑब्वियसली फोकस से जाएगा। ठीक है, कहां से चला गया बेटा, फोकस से चला गया, और एक लाइट रे कहां से जाएगा बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये कहां पर मिल जाएगा बेटे, यहां पर। ठीक है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखो आपको कहां मिला,
ठीक है, यहां पर मिल गया ए डैश बी डैश। तो क्या समझ में आया बच्चे अपने को, क्या समझ में आया कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2F पर रखते हैं तो इमेज भी हमारा कहां बनता है, 2F पर ही बनता है। और ठीक है, तो लोकेशन हमें समझ में आ गया, पोजीशन क्या है बेटा हमारा एट 2F, ठीक है एट 2F। नेचर क्या है बेटा, देखो सच में मिला है ना, तो क्या हो जाएगा रियल, एंड रियल वाला क्या होता है बेटा इन्वर्टेड, सो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या दिख रहा है बेटे आपको, साइज क्या दिख रहा है आपको, सेम साइज, ठीक है सेम साइज, ओके। तो साइज क्या है हमारा, सेम है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा केस नंबर 3। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस विच इज केस नंबर 4। केस नंबर 4 इस बार कहां रखूंगा बेटा, तो ऑब्वियसली फोल और सॉरी फोकस एंड 2F, F और 2F के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F, ठीक है बेटे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F, इन दैट कंडीशन क्या होगा, ठीक है ये बना लिया हमने, ओके दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, लेट्स से दिस इज एफ, लेट्स से दिस इज 2F, हियर आल्सो दिस इज एफ एंड दिस इज 2F, ठीक है। अब बेटे हमको ऑब्जेक्ट कहां लेना है, इनके बीच में लेना है, तो हमने इनके बीच में ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। तो कैसे करोगे बेटे, एक लाइट रे लिया हमने क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो बेटे इसके बारे में हम श्योर हैं कि ये कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। तो लाइक दिस है ना, ये पास हो गया। अब एक लाइट रे कहां से ले जाऊं मैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो जाता है बेटा वो क्या हो जाता है ना, सीधा पास हो जाता है, तो ये सीधा पास हो जाएगा। तो देखो कहां मिल रहे हैं, इस जगह पर मिल रहे, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो इधर कहीं आपका इमेज बनेगा, ठीक है बेटे, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके का आपको इमेज बनेगा, दिस इज एफ, दिस इज 2F, दिस इज ए डैश बी डैश, ओके बेटे। तो क्या दिख रहा है आपको, दिस टाइम पोजीशन कहां है बेटा, देखो बिहाइंड 2F, कहां है पोजीशन, बिहाइंड 2F, एंड नेचर कैसा दिख रहा है आपको, तो पोजीशन इज बिहाइंड 2F, नेचर क्या दिख रहा है बेटा, सच में मिला हुआ है, तो हमको क्या होना चाहिए, ये रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या दिख रहा है बेटा, उसके तुलना में ये बड़ा दिख रहा है, सो साइज इज मैग्नीफाइड, ओके बेटे साइज इज मैग्नीफाइड। तो व्हेन यू विल कीप इट बिटवीन F एंड 2F, यू विल गेट द इमेज बिहाइंड 2F एंड नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज विल बी मैग्नीफाइड, साइज विल बी मैग्नीफाइड, व्हाट दिस, very nice. So this is quick case number 4. Now we'll move on to the next case, that is case number 5th. ठीक है बेटे, case number 5th. Now where should I keep? तो बेटे ऑब्वियसली मैं कहां पे रखूं, फोकस पे रखूं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, ठीक है बेटे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F यानी फोकस पर जब रखा होगा तो फिर क्या होगा,
तो देखो बेटे ये हमने कन्वेक्स लेंस बना लिया ऑप्टिकल सेंटर F और इधर मान लो 2F F एंड 2F, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, यहां पर अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया तो एक लाइट रे लिया हमने बेटा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से जाएगा बच्चे, फोकस से जाएगा। और एक को लिया मैंने इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से, तो आप क्या पाओगे बेटा कि जो दोनों रिफ्रेक्टेड रे है ना वो आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, है ना। बोथ द रिफ्रेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द पैरेलल टू ईच अदर। इन दैट कंडीशन वी अज्यूम दैट एट वेरी फार डिस्टेंस, ओके, एट वेरी फार डिस्टेंस समवेयर दे विल मीट एंड फॉर्म द इमेज, ठीक है। तो इधर कहीं जाकर के एक बड़ा सा इमेज बनता है, ठीक है बेटे, क्या बनता है, बड़ा सा इमेज बनता है, क्लियर है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस, तो बहुत दूर बनेगा इमेज, और वो पोजीशन क्या कहलाएगा बेटा, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इस तरफ जो इमेज बनता है बेटा वो कैसा होता है, रियल होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बेटे। और साइज क्या हो जाएगा, हाईली मैग्निफाइड, साइज इज हाईली मैग्निफाइड, अंडरस्टूड, क्लियर है मेरे बच्चों, ठीक। तो ये हो गया केस नंबर फिफ्थ, एंड नेक्स्ट इज द लास्ट ऑल्सो, द लास्ट केस, केस नंबर सिक्स, कहां रखूं बेटा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। केस नंबर सिक्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस, ठीक है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो, देन व्हाट, ये मान लो बेटा ऑप्टिकल सेंटर F एंड दिस इज 2F F 2F, ठीक है बेटे। इस बार हमें ऑब्जेक्ट कहां रखनी है, यहां रखनी है, चलो इसको मैंने ले लिया A और B, तो फटाफट एक लाइट रे कहां से ले लेंगे बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, तो बेटे ये इस तरीके से चला गया फोकस से, एक को मैंने क्या लिया, ऑप्टिकल सेंटर से लिया, तो ये इस तरीके से चला जाएगा। तो नाउ यू कैन सी कि दीज टू रिफ्रेक्टेड रे है ना डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, है ना, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, फैलते जा रहे हैं, तो दूर होते जा रहे हैं, तो कभी पास नहीं आ सकते, मिल नहीं सकते, तो इधर मिलने की कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो वी विल डू व्हाट कि हम इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। When we will extend it backward, we feel that image will be formed somewhere like this. ठीक है, A dash B dash. ठीक है बेटे, A dash B dash. So what is happening this time? Image is formed on the same side as the object. जिस side में object है, उसी side में image form हो रहा है. ठीक है बेटे, जब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में इमेज बने तो वो हमेशा रियल होता है, बट जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड अगर इमेज बन रहा हो तो वो कैसा होता है बेटा, वर्चुअल। ये लेंस के केस में, क्लियर है। मिरर के केस में तो बहुत सिंपल है, मिरर के फ्रंट में बने तो रियल और मिरर के बैक में बने तो वर्चुअल। यहां पर कैसे पहचानना है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में इमेज बन रहा है तो रियल, और जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो दैट इज वर्चुअल। सो हियर इमेज इज फॉर्म्ड कहां पर बेटा, पोजीशन क्या हो जाएगा, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइड में। नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की बात करते हैं बेटा, तो साइज देखो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी दिख रही है तो मैग्निफाइड, ठीक है बेटे,
कैसा इमेज बन जाएगा आपका, मैग्निफाइड इमेज बन जाएगा। तो दिस आर ऑल दी है ना, ये सारे केसेस हो गए जो कन्वेक्स लेंस के केस में हो सकते थे, जो जो भी पोजीशन हो सकते थे वो सारे हमने डिस्कस किए। तो जब हमने सारे केसेस को देखा बेटा, तो हम इस बात पर कंक्लूड हो सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है बेटा, कभी बड़ा इमेज भी बना, कभी छोटा इमेज भी बना, और कभी सेम साइज का इमेज भी बना, कभी रियल भी बना, कभी वर्चुअल भी बना, कभी सीधा इमेज भी बना और कभी उल्टा इमेज भी बना। तो यहाँ पर हर प्रकार की वैरायटी आपको देखने को मिलता है। क्लियर है बेटे? अब एक चीज और आप सोच सकते हो कि इसमें जो केसेस थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू थे वहां पर जो हमने कनकेव मिरर के केसेस में पढ़े थे। ठीक है, जो कनकेव मिरर का केस था वही यहाँ पर सारी चीजें इसके ऊपर लागू हो रही है। क्लियर बच्चे, आपको बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, तो ये रही कहानी कन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट इंफिनिटी इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। कैसा रहेगा बेटा? रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा और छोटी साइज की रहेगी, बहुत छोटी साइज की। व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी बिहाइंड 2f इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बिटवीन f एंड 2f इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड साइज विल बी डिमिनिश्ड। व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट 2f इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड एट 2f सेम साइज रियल इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन f एंड 2f इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड 2f ऑन द अदर साइड एंड इट्स नेचर विल बी रियल इन्वर्टेड एंड साइज विल बी डिमिनिश्ड साइज विल बी मैग्निफाइड। ओके, गॉट दिस? ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट f व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट f इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी ऑन द अदर साइड। ठीक है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड what will be its nature real inverted and highly magnified. Understood? Highly magnified. Now when object will be placed between f and optical center, yani focus and optical center, then image will be formed on the same side as the object. ठीक है, nature कैसा होगा बेटा? Virtual and erect. Size क्या होगा? Magnified. ठीक है, तो we discussed all the cases of convex lens. ठीक है बेटा, now what are the uses of convex lens? Convex lens का हम लोग क्या क्या use कर सकते हैं? ठीक है, uses ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है बेटा वो है एज मैग्निफाइंग ग्लास, यूज्ड एज मैग्निफाइंग ग्लास। इसको अपन सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है, यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। आप अगर लैब वगैरह में गए हो या फिर पहले पुराने जमाने में जो कंपास बॉक्स आता था उसमें एक ये होता था जिससे जो अक्षर है ना, वो मतलब लेटर है, वो छोटे बड़े 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 दिखते थे, है ना, उसको ऐसा लगाओ तो उसके ऊपर पे तो इमेज क्या दिखते थे बेटे? बड़े बड़े दिखाई देते थे, याद है आपको? ठीक है, तो वो क्या है बेटा? मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसका यूज आपको अक्सर दिख जाता है, अगर छोटे छोटे पार्ट्स को अगर आपको देखना है, छोटी चीजों को देखना है जिसको नेकेड आई से देखने में तकलीफ हो रही है, तो वहां आपको क्या जरूरत पड़ेगी बेटा? मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपने अगर कभी वॉच रिपेयरर के पास गए होगे, है ना, वॉच रिपेयरर के वॉच जब वो रिपेयर करते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वॉच के, है ना, छोटी वाली हैंड वॉच जो होती है उसकी जो पार्ट्स होते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं, वो नेकेड आई से देखो तो बहुत तकलीफ होगा, है ना, कभी दिखेगा भी नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक देखना इस तरीके का आँख पे लगा के रखते हैं, ठीक है, उससे उनको बड़ी बड़ी दिखाई देता है। या फिर जो माइक्रो आर्ट्स करते हैं, चावल पे लिखना, इस तरीके के माइक्रो आर्ट्स जो आर्ट जो करते हैं उन लोग भी इसको यूज करते हैं। या फिर हमको लेबोरेटरी में रीडिंग लेना हो, वर्नियर कैलिपर वगैरह का, देखे थे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज वगैरह में कितने छोटे छोटे वो रहते हैं, तो जनरली अपन क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या होता है? पढ़ने में मदद मिलती है। ठीक है, तो यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास इन लेबोरेटरी
टू टेक रीडिंग्स इन बाय वॉच रिपेयरर एंड बाय माइक्रो आर्टिस्ट ठीक है बेटा. सेकेंड कन्वेक्स लेंस का जो है यूज हम लोग ये समझते हो आप तो, क्या बोलूं मैं, जो और भी माइक्रोस्कोप होते हैं. एक तो हमने देख लिया बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप के अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है, टेलीस्कोप भी होता है. तो इन सब चीजों में भी कन्वेक्स लेंस का यूज होता है. ठीक है, तो यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप्स वगैरह में भी यूज होता है. ठीक है, यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप्स. तीसरा, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, आई डिफेक्ट को ठीक करने में. ठीक है, हमारे आईज में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और एक डिजीज का नाम है बेटा हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है, क्या? हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है, तो इस हाइपरमेट्रोपिया जिसको लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके, उसको ये वाली बीमारी जिसको होती है तो वो इस लेंस को लगाया हुआ चश्मा पहनता है. ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, यूज्ड इन करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिक आई. ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं. तो अंडरस्टूड, दे आर दी यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस. क्लियर है बच्चों, कन्वेक्स लेंस के यूजेस ये सारे हैं. ठीक है बेटे, तो अब बच गया क्या हमारा, कंकेव लेंस वी विल फिनिश इट इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके बच्चों, ठीक है, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ.